गई पैकिंग। चिंपू चलो चलो दूध पी लो। खीर तो तुम लोगों को दादी के घर जाकर मिलेगी। ये दादी की खीर यम्मी। चिंपू इस बार जल्दी जाने की बात मत करना। चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। दादी के हाथ का खाना इज बेस्ट खाना एवर। क्या चाहिए बेटा? दादी मेरी खीर कहाँ है? बेटा पता नहीं क्यों गांव की गायों ने पिछले कुछ हफ्तों से दूध देना ही बंद कर दिया है। क्या? हाँ बेटा सभी गांव वाले परेशान हैं। ना जाने क्या मुसीबत पड़ गई है, कोई भी गाय दूध नहीं दे रही है। कोई बात नहीं दादी, चलो सिंपू गांव की ताजा हवा खा के आते हैं। काका राम राम। ये पिंटू यहीं कहीं होगा। अरे पिंटू तुम्हें इतनी खुजली क्यों हो रही है? अरे चिंपू भैया क्या बताए, चिंपू भैया किसी बदमाश ने मेरी निक्कर के अंदर खुजली का पाउडर मिला दिया है। अब तक तालाब में 10 डुबकी मार चुका हूँ पर ये खुजली है कि जाती ही नहीं है। अरे, मेरे साथ चलो अभी तुम्हारा इलाज करता हूँ। जहाँ भी खुजली हो रही है इस गोबर को उस जगह पर लगा लो, खुजली तुरंत बंद हो जाएगी। वाह चिंपू भैया चमत्कार हो गया, खुजली बंद हो गई। आप तो हर चीज में मास्टर हो, हमारे गांव का आइंस्टाइन। बस एक बार इसका मतलब वो पुतला नहीं था, कोई आदमी वहाँ पर स्केयरक्रो बन के खड़ा था, कुछ तो चक्कर है। सिंपू हमारे लिए एक नया केस आया है, सिंपू तैयार हो जाओ। रात को तबेले के पास वाले खेत में क्यों जाना है? तुम चलो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। सिंपू मुझे इस जूते के निशान के पीछे लेके चलो। गई भैंस पानी में, इतनी रात को क्या करने वाले हो? मतलब वो पुतला चलकर यहाँ तक आया और स्कूटर पर बैठकर चला गया। गई भैंस पानी में, पुतला स्कूटर चला सकता है क्या? अच्छा तुम्हें कैसे पता कि ये जूते के निशान उस पुतले के ही हैं? किसी और के भी हो सकते हैं। खेत में कितने लोग आते जाते हैं? वो ही तो पता लगाना है। कल रात को यही मिलते हैं, चलो।